नमस्कार, केके न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना मद्देसिया और आप देख रहे हैं केके न्यूज 24। बिहार डिजिटल टीचिंग लर्निंग के माध्यम से फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लाइव एंड क्रैश कोर्स का किया गया शुभारंभ। खबर पश्चिमी चंपारण बिहार के बेतिया से है, जहां विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेतिया के सभागार भवन में कोविड-19 संक्रमण काल में डिजिटल टीचिंग लर्निंग के माध्यम से फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लाइव एंड क्रैश कोर्स का शुभारंभ जिला अधिकारी कुंदन कुमार व जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार बिमल के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में आए जिले के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को शिक्षक द्वारा बूके देकर सम्मानित किया गया। अब खबर विस्तार से कि डिजिटल टीचिंग लर्निंग के माध्यम से फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लाइव एंड क्रैश कोर्स का कार्यक्रम का शुभारंभ गणपति वंदना व स्वागत गान से किया गया। स्वागत गान व गणपति वंदना की प्रस्तुति हरिशंकर मिश्रा एवं तबला वादन सत्य मिश्रा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पर प्रकाश डालते हुए मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण कुंदन कुमार ने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस से छात्र छात्राओं में काफी शिक्षा के प्रति जागरूकता देखने व सुनने को मिल रही है। इस संकट काल की स्थिति में जिस प्रकार माध्यमिक वर्ग के छात्र छात्राओं को परेशानियां आई हैं, उन परेशानियों को डिजिटल टीचिंग लर्निंग के माध्यम से फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लाइव एंड क्रैश कोर्स के माध्यम से व्यापक रूप से छात्रों को शिक्षा देने का कार्य उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास के द्वारा सभी विषयों की जानकारी दी जाएगी। इस दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी पश्चिमी चंपारण विनोद कुमार बिमल ने बताया कि उन्नयन बिहार स्मार्ट क्लास का शुभारंभ, जिसका मुख्य उद्देश्य उन छात्र छात्राओं को ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देना है जो मैट्रिक की परीक्षा इस वर्ष देना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से विभिन्न विषयों के शिक्षकों द्वारा घर बैठे इस कोविड-19 संक्रमण काल में डिजिटल टीचिंग लर्निंग के माध्यम से फेसबुक प्लेटफॉर्म पर लाइव एंड क्रैश कोर्स का शिक्षा प्राप्त हो सके एवं उस विषय से संबंधित हो रही समस्याओं का निवारण भी ऑनलाइन के माध्यम से उन शिक्षकों के द्वारा हल किया जा सके, ताकि छात्र छात्राओं को परेशानी ना हो सके, साथ ही वह अपने शिक्षा में अग्रसर व प्रगतिशील रूप से उच्च शिक्षा हासिल कर सके। जी हां, बता दें कि तमाम माध्यमिक विद्यालय के प्रतिभावान शिक्षकों को भिन्न विषयों के प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा कम समय में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2021 हेतु नवम व दसम वर्ग के छात्र छात्राओं को बेहतर अंक व प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण हेतु माध्यमों से छात्र छात्राओं को शिक्षा देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा का दीप इन शिक्षकों द्वारा जलाने का बेहतर सफल साधन की व्यवस्था एवं यह फेसबुक प्लेटफॉर्म द्वारा शिक्षा को छात्र छात्रों तक पहुँचाने का कार्य किया गया है। डिजिटल एवं तकनीकी टीम में सुभाष नारायण सिंह, ज्योति प्रकाश, शिव कुमार बैठा आदि शामिल रहे। सभी विषयों का फेसबुक लाइव क्लास होने के उपरांत उसका पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी शेयर किया जाएगा। इस अवसर पर जिले के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, नोडल पदाधिकारी, जिले के सभी प्रधानाचार्य सहित शिक्षक व शिक्षकोत्तर आदि उपस्थित रहे। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। किसी भी कार्यक्रम का उद्घाटन और दीप प्रज्वलन से करते हैं। अब अगली खबर बिहार के पश्चिमी चंपारण के बेतिया से है, जहां पर नगर परिषद के कनीय अभियंता के आवास पर निगरानी की टीम ने छापेमारी किया है। वहीं विभिन्न जगहों पर निगरानी की टीम द्वारा 4-5 जगहों पर तलाशी किया गया, जिसमें टीम द्वारा बैंक के पासबुक व जमीनी कागजात बरामद कर जब्त किया गया। बता दें कि पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नगर परिषद बेतिया के कनीय अभियंता सुजय सुमन के आवास पर पटना की निगरानी टीम के अधिकारियों द्वारा छापेमारी की गई। इस छापेमारी में अधिकारी कन्हैया लाल ने बताया कि निगरानी थाना पटना में किए गए एक एफआईआर के तहत इनके विभिन्न जगहों पर निगरानी की टीम द्वारा 4-5 जगहों पर तलाशी किया गया। बेतिया से तलाशी के क्रम में हम लोगों द्वारा इनके बैंक के पासबुक और जमीनी कागजात बरामद हुए हैं, जिनकी आय व व्यय की गणना के उपरांत ही इस संदर्भ में कुछ कहा जा सकता है। वहीं निगरानी की टीम ने बताया कि पटना निगरानी थाना में 1,06,00,000 का एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसके आधार पर यह छापेमारी की गई है। देखिए बिहार से विजय कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। तलाशी चल रही थी, कुछ बरामद हुआ? बरामद हुआ जो डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, जमीन और बैंक खाता से संबंधित। किसकी शिकायत? अभी 4 या 5 है। 4 या 5 जो मतलब संपत्ति एफ आई आर तो 1,06,00,000 का है।
एफआईआर के अनुसार अब हम लोग आए भी करेंगे तब लोग पता चलेगा कि वास्तविकता कितना है। सर ये छापेमारी से किसी की शिकायत तो नहीं है, छापेमारी हुई है एफआईआर होने के बाद। ना तो अभी मतलब केवल बेटिया में ही चला है कि और भी जगह हुआ है सर? और भी जगह चल रहा है, उनके गृह जिला गृह पर अब चल रहा है, पटना चल रहा है और ऑफिस में हुआ है पटना के सरिया और यहाँ। हाँ सर अभी क्या हुआ है? अब तो हो गया, मैंने बता दिया कि ना गृह तलाशी हुई है, यानी कि जो आवास की तलाशी की गई है विभाग द्वारा, यानी कि तलाशी ली गई है गृह आवास की। तो आगे आए व्यय की गणना की जाएगी, उसके बाद में बताया जाएगा कि क्या कितना आय है कितना व्यय है। नाम मेरा नाम कन्हैया लाल। सर एफआईआर कहाँ हुआ है? निगरानी थाना पटना।